हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल लव योरसेल्फ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बंगाली स्टाइल थालीर बोड़ा रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थाल, और चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले इसके छिलके हम निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने ताल के छिलके को निकाल लिया है। अभी इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इस ताल को हम 2 से 3 मिनट तक पानी में ऐसे ही भिगो के रखेंगे। ताल के बीज को हम अच्छे से निकाल लेंगे और इन्हें अलग करके पानी में अच्छे से भिगो के रखेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुका है, अभी हम ताल का पल्प निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसे ग्रेट नहीं करना है। छन्नी में अच्छे से इसे छानकर पल्प निकालना है। तो देखिए, हमने सारा पल्प निकाल लिया है। तो हमने ताल के पल्प को एक कपड़े में निकाल लिया है और अभी इसे बांधकर 2 से 3 घंटे के लिए हम टांग कर रख देंगे, ताकि इसमें से जो पानी निकलेगा उसके साथ ताल में जो करवाहट होती है वो भी निकल जाएगी। तीन घंटा हो चुका है, अभी हमने ताल के पल्प को कपड़े से निकाल के एक बर्तन में ले लिया है। तो चलिए इसे अब बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और अब इसमें डाल देंगे 100 ग्राम गुड़ और साथ ही में डाल देंगे 250 ग्राम सूजी, एक कटोरी नारियल, 250 ग्राम मैदा और आखिर में डाल देंगे ताल का पल्प। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक बैटर बना लेंगे। पकोड़े बनाने के लिए जो बैटर बनता है वैसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना होगा, ना ही ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे चुटकी भर कपूर और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। 15 मिनट हो चुका है, अभी हम ढक्कन को उठा लेंगे और इसे तलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले गैस को ऑन कर लेंगे और कढ़ाई को गर्म करने के लिए बिठा देंगे। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल। तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी हमने जो बैटर तैयार किया है उसे छोटे छोटे पोर्शन में लेकर पकौड़ी की तरह हम तलेंगे। ध्यान रखिएगा, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे तलना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसीलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे तलना है। तो ये एक साइड से हो चुका है, अभी इसे हम दूसरी तरफ से पलट देंगे और अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और बाकी के तालेर बोड़ा भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे।
तो देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी इनको हम कढ़ाई से उठा लेंगे। तो हमारे सारे वड़े बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वाला रेसिपी पसंद आया हो तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू।